प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर कंटेंट। हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो पर। दोस्तों, आज के वीडियो पर हम लोग जानने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर किस तरीके से कैश बिल डिजाइन क्रिएट करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2019 का वर्जन है। अगर आपके पास जो भी वर्जन का माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है तो भी बड़ी आसानी से आप लोग यहाँ पर बिल डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि बिल बुक डिजाइन क्रिएट कर सकते हो। दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर पेज क्रिएट करूँगा। पेज क्रिएट करने के लिए सिंपली आप लोग डिजाइन के अंदर क्लिक कीजिए। यहाँ पर देखिए मैं डिजाइन पर क्लिक कर रहा हूँ और उसके बाद आप लोग यहाँ पर क्लिक कीजिए स्लाइड साइज पर, और उसके बाद आप लोग यहाँ पर कस्टम स्लाइड साइज के अंदर क्लिक कीजिए। मैं यहीं पर क्लिक कर रहा हूँ, देन उसके बाद यहाँ पर देखिए स्लाइड साइज का ऑप्शन आ चुका है। अब आपको यहाँ पर जो भी बिल का साइज है आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। मैं फिलहाल के लिए यहाँ पर 5 वेट और 7 इंचेस, यानी कि 5 आर का पेज पर यहाँ पर मैं बिल डिजाइन क्रिएट करूँगा। दोस्तों, 5 इंचेस और 7 इंचेस, और उसके बाद सिंपली आप लोग ओके बटन पर क्लिक कर लीजिए और यहाँ पर आप लोग मैक्सिमाइज पर क्लिक कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए बिल डिजाइन का साइज रेडी होकर आ चुका है। दोस्तों, इसको मैं यहाँ पर सेलेक्ट करते हुए इस तरीके से और इसको डिलीट करता हूँ, डिलीट बटन प्रेस करते हुए। देन उसके बाद सिंपली मैं यहाँ पर डिजाइन क्रिएट करूँगा। डिजाइन क्रिएट करने के लिए सिंपली मैं यहाँ पर इंसर्ट के अंदर क्लिक करूँगा और उसके बाद यहाँ पर मैं एक शेप्स ड्रॉ करूँगा। दोस्तों, यहाँ पर देखिए शेप्स पर क्लिक करूँगा और उसके बाद मैं यहाँ पर फ्री फ्रॉम शेप्स यूज करूँगा। यहाँ पर देखिए फ्री फ्रॉम शेप्स, और मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर शेप्स ड्रॉ करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस तरीके से क्रिएट करूँगा, शिफ्ट होल्ड करते हुए मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा। यहाँ पर देखिए मैंने कुछ इस तरीके का शेप्स ड्रॉ कर चुका हूँ, और आपको यहाँ पर जो भी कलर वगैरह सेट करना है आप सेट कर सकते हो। सिंपली मैं यहाँ पर इसको आउटलाइन रिमूव कर लेता हूँ, नो आउटलाइन करते हुए, और इसको कुछ इस तरीके से शिफ्ट होल्ड करते हुए थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ, और इसको भी यहाँ पर शिफ्ट होल्ड करते हुए इंक्रीज कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर चुका हूँ। अगर आपको यहाँ पर जो भी कलर सेट करना चाहिए तो आप सेट कर सकते हो। मैं सिंपली यहाँ पर आप जो भी कलर ऐड कर सकते हो। दोस्तों, मैं सिंपली यहाँ पर कुछ इस तरीके का एक कलर यहाँ पर फिल करने जा रहा हूँ, लाइट ब्लू कलर। आप जो भी यहाँ पर कलर ऐड कर सकते हो। इसको मैं कलर यहाँ पर चेंज करूँगा। दोस्तों, कुछ यूनिक सा कलर, ये वाले कलर रख देता हूँ। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके का, और उसके बाद सिंपली मैं यहाँ पर इंसर्ट के अंदर फिर से क्लिक करता हूँ और शेप्स यहाँ पर एक बार में रेक्टेंगल शेप्स पर क्लिक करता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ भी एक शेप्स ड्रॉ कर लेता हूँ। सेम यही साइज पर यहाँ पर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ कुछ इस तरीके का, और उसके बाद यहाँ पर मैं आउटलाइन नो आउटलाइन सेम कॉलर यहाँ पर फिल कर लेता हूँ, और इसको यहाँ पर शिफ्ट होल्ड करते हुए नीचे की तरफ रख देता हूँ। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर टॉप और बॉटम का डिज़ाइन रेडी कर चुका हूँ। दोस्तों, और आपको यहाँ पर जो भी लोगोज है आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, जो भी आपको कंपनीज वगैरह का नेम है आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। सिंपली मैं यहाँ पर इंसर्ट के अंदर क्लिक करूँगा और यहाँ पर वर्ड आर्ट पर क्लिक करता हूँ, और वर्ड आर्ट स्टाइल 1 आप जो भी यहाँ पर यूज कर सकते हो सिंपली यूज करते हुए। मैं सिंपली यहाँ पर होम पर जाकर भी यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स का यूज करते हुए भी यूज कर सकता हूँ। इस पर क्लिक करता हूँ और टाइप कर लेता हूँ। फिर इसको मैं सबसे पहले यहाँ पर फॉन्ट चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए फॉन्ट का ऑप्शन पर मैं जाकर यहाँ पर कुछ यूनिक सा फॉन्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ताकि दिखने में खूबसूरत नज़र में आए। कुछ इस तरीके का फॉन्ट यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ। आप इसको बोल्ड वगैरह करना चाहते हो भी कर सकते हो। मैं सिंपली इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ और यहाँ पर इस तरीके से सेट कर लेता हूँ। इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ और यहाँ पर इसको सेंटर की तरफ यूज़ कर लेता हूँ। इसको थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ, यहाँ पर इसको यूज़ कर लेता हूँ, और इसको आप जो भी कलर वगैरह देना चाहते हो तो दे सकते हो। मैं सिंपली यहाँ पर वाइट कलर फिल कर लेता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर आप जो भी आपका लोगोज है आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। मैं सिंपली यहाँ पर एक इंसर्ट के अंदर क्लिक करता हूँ और पिक्चर्स पर जाता हूँ। मेरे पास एक लोगो का सैम्पल है। दोस्तों, मैं यही वाले लोगो को यहाँ पर यूज़ करने जा रहा हूँ। कुछ इस तरीके का एक लोगो हेयर बोलकर यहाँ पर है।
इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ और यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। और उसके बाद सबसे पहले मैं यहाँ पर एक शेप्स ड्रॉ कर लेता हूँ, ओवल शेप्स। यहाँ पर देखिए ओवल शेप्स के अंदर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर कुछ इस तरीके से ओवल शेप्स ड्रॉ कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको सेट करने जा रहा हूँ। थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ ताकि दिखने में खूबसूरत लगे। सेंटर की तरफ रख देता हूँ इसको। मैं आउटलाइन रिमूव, सॉरी कॉलर वाइट आउटलाइन रिमूव कर लेता हूँ और उसको यहाँ पर इसको सेट कर लेता हूँ। सबसे पहले इसको ब्रिंग टू फ्रंट कर लेता हूँ। यहाँ पर जाकर देखिए दोस्तों, फॉर्मेट पर जाइए और ब्रिंग टू फॉरवर्ड के ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर ऊपर की तरफ ये लोगो आ जाता है। इसको मैं शिफ्ट होल्ड करते हुए यहाँ पर इसको इस तरीके से सेट कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके का यहाँ पर लोगो भी सेट हो चुका है। और उसके बाद मैं यहाँ पर इस वाले टेक्स्ट को मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ रख देता हूँ, कुछ यूनिक सा दिखे। और उसके बाद मैं यहाँ पर एड्रेस टाइप कर सकते हैं, आपको जो भी एड्रेस है आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। फिर से मैं इसी वाले टेक्स्ट को सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल डी डुप्लीकेट। और उसके बाद मैं यहाँ पर इसको सिंपली दोस्तों, और उसके बाद मैं यहाँ पर सिंपली कैलिब्री फॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, ऑन बोल्ड। थोड़ा सा फॉन्ट छोटा कर लेता हूँ, मे बी 14 के आसपास, 12 के आसपास कर लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर इसको सेट कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए बड़ी आसानी से ये फिट हो चुका है। और उसके बाद आपको यहाँ पर जो भी कलर ऐड करना चाहिए तो आप ऐड कर सकते हो। मैं सिंपली यहाँ पर वाइट कलर ही सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि ये काफ़ी कूल नज़र आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर देखिए। और उसके बाद आपको यहाँ पर कैश बिल बोलकर आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो। मैं यहाँ पर सिंपली इंसर्ट, सॉरी होम टेक्स्ट बॉक्स, और उसके बाद यहाँ पर मैं कैश बिल, और उसके बाद इसको कंट्रोल ए करता हूँ। आपको यहाँ पर जो भी फॉन्ट वगैरह आपको सेलेक्ट करने आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैं कुछ यूनिक सा बोल्ड फॉन्ट सेलेक्ट करने जा रहा हूँ दोस्तों, आप भी बोल्ड फॉन्ट ही सेलेक्ट कर लीजिए ताकि बिल डिज़ाइन खूबसूरत नज़र में आए। आपको किस तरीके के फॉन्ट पसंद है आप यूज़ कर सकते हो। मैं कुछ इस तरीके का एक बोल्ड फॉन्ट यूज़ कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको सेट कर रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से काफ़ी कूल नज़र आ रहा है। और उसके बाद आपको यहाँ पर जो भी कलर वगैरह आप चेंज करने चाहते हो आप बड़ी आसानी से चेंज कर सकते हो। जो भी आपको कलर पसंद है आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। मैं कुछ इस तरीके का यहाँ पर यूनिक सा कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपके पास यहाँ पर जो भी कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह है आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद आपको यहाँ पर बिल नंबर ऐड करना चाहिए। सिंपली यहाँ पर इंसर्ट के अंदर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर क्लिक करता हूँ दोस्तों टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। उसके बाद मैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से सेट हो चुका है। इसको मैं इस तरीके से रख देता हूँ, थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ। और यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके का यहाँ पर सेट हो चुका है। इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ आप यूज़ करना चाहते हो तो भी यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद आपको यहाँ पर जो भी डेट ऐड करना चाहिए तो आप ऐड कर सकते हो। फिर से टेक्स्ट बॉक्स क्लिक, डेट, आपको जो भी यहाँ पर डेट यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हो। मैं फिलहाल के लिए यहाँ पर डट डट रख देता हूँ। और उसके बाद कंट्रोल ए, फिर से फॉन्ट साइज छोटा कर लेता हूँ। इस बार मैं 14 के आसपास कर लेता हूँ ताकि यहाँ पर बड़ी आसानी से सेट हो जाए। इसको भी मैं यहाँ पर एडजस्ट कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर देखिए बड़ी आसानी से डेट भी लग चुका है। अब आपको यहाँ पर आपको नेम, पार्टीज अकाउंट नेम और एड्रेस आप जो भी यहाँ पर टाइप करना चाहते हो तो टाइप कर सकते हो। फिर से इंसर्ट पर क्लिक कीजिए, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर क्लिक कर लीजिए और यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। फिर से फॉन्ट छोटा कर लीजिए, मे बी यहाँ पर मैं 14 के आसपास कर रहा हूँ। और उसके बाद इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा एड्रेस, और उसके बाद इसको मैं यहाँ पर फिर सेट कर लेता हूँ। और सेट करने के बाद इसको मैं यहाँ पर डॉट डॉट यूज़ कर सकता हूँ, आप जो भी ऐड करना चाहते हो कर सकते हो। मैं इस तरीके का लाइन भी ऐड कर सकता हूँ, शिफ्ट प्लस अंडरस्कोर प्रेस कर लीजिए कीबोर्ड का, बड़ी आसानी से ये यूज़ होता है। देन उसके बाद इसको मैं फिर से यहाँ पर एक देता हूँ, यहाँ पर मैंने देना भूल गया है दोस्तों, मैं यहाँ पर भी दे देता हूँ। और उसके बाद इसको थोड़ा सा एक बार डिलीट कर लेता हूँ और यहाँ पर इस तरीके से एड्रेस भी यूज़ कर लेता हूँ। और आपको यहाँ पर
कॉन्टैक्ट भी यूज़ कर सकते हो, और उसके बाद फिर से ये प्रोसेस और शिफ्ट प्लस अंडरस्कोर। यहाँ पर देखिए बड़ी आसानी से इस तरीके से यूज हो चुका है। इसको कंट्रोल ए कर लीजिए। यहाँ पर देखिए लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन है, आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, आपको जो भी लाइन स्पेसिंग पसंद है आप यूज़ कर सकते हो। इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ रख दीजिए। कुछ इस तरीके से यूनिक सा कैश बिल डिज़ाइन क्रिएट हो रहा है दोस्तों। मैं अब इस बार यहाँ पर क्लिक करता हूँ, इंसर्ट पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर टेबल के अंदर क्लिक करता हूँ दोस्तों। यहाँ पर देखिए टेबल का ऑप्शन है, मैं यहाँ पर फटाफट से बिल क्रिएट करूँगा दोस्तों। मैं यहाँ पर 4-5 यूज़ करूँगा और उसके बाद नीचे की तरफ आप जितना चाहिए आप यूज़ कर सकते हो। मैं इतना तक कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके का टेबल क्रिएट हो चुका है। इसको मैं सबसे पहले सेलेक्ट ऑल कर लेता हूँ और यहाँ पर देखिए टेबल बनाने के बाद आपको यहाँ पर डिज़ाइन और लेआउट का ऑप्शन मिलेगा। आप डिज़ाइन के अंदर क्लिक कीजिए, सबसे पहले इसको ये डिज़ाइन ये रिमूव कर लीजिए। यहाँ पर देखिए नॉर्मल डिज़ाइन है, यहाँ पर क्लिक कर लीजिए और उसके बाद आपको जिस तरीके से भी आप यूज़ करना चाहते हो इसको यूज़ कर सकते हो। कुछ इस तरीके से मैं इसको छोटा कर रहा हूँ और यहाँ पर इस तरीके से सेट करते हुए आपको इसको छोटा और बड़ा भी कर सकते हो दोस्तों। आप व्यू पर क्लिक कीजिए, रूलर के अंदर क्लिक कर लीजिए, यहाँ पर रूलर आ जाते हैं। आप इसको यहाँ पर आप जितना चाहिए उतना इसको यूज कर सकते हो। इस तरीके से यहाँ पर इसको सेट कर सकते हो, थोड़ा सा छोटा कर सकते हो। मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा छोटा ही करूँगा दोस्तों। यहाँ पर मैं सीरियल नंबर टाइप करने जा रहा हूँ और उसके बाद इसको मैं यहाँ पर सेट करने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर सेट कर रहा हूँ बड़ा वाला, और उसके बाद इस वाले को मैं यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर सेट कर लेता हूँ और इसको भी यहाँ पर थोड़ा सा इधर की तरफ रख देता हूँ और यहाँ पर इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर इसको सेट कर लेता हूँ यहाँ पर जाकर। इसको एडजस्ट कर लेता हूँ माउस कीबोर्ड का बटन एरोस की का बटन से यहाँ पर देखिए, और उसके बाद इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। कुछ इस तरीके से आपको जितना फॉन्ट चाहिए आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। मे भी आपको 14 चाहिए तो 14 भी यूज़ कर सकते हो। मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ पर 14 ही यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर देखिए और उसके बाद आप यहाँ पर सीरियल नंबर टाइप कर लीजिए। देन उसके बाद यहाँ पर देखिए इस तरीके से क्रिएट हो चुका है। अगर इसको आप इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर लेआउट पर क्लिक कीजिए और उसके बाद यहाँ पर इसको सेंटर अलाइनमेंट आप कर सकते हो। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर जो भी कलर वगैरह देना है आप यहाँ से दे सकते हो। यहाँ पर शेडिंग कलर है दोस्तों, आप यहाँ पर जितना आपको कलर वगैरह पसंद है आप यूज़ कर सकते हो। मैं फ़िलहाल के लिए यही वाले कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद इसको मैं यहाँ पर फिर से सेलेक्ट कर रहा हूँ और होम एक बार बोल्ड कर लेता हूँ ताकि डिज़ाइन खूबसूरत नज़र में आए, और उसके बाद इसको मैं वाइट कलर फिल कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए बड़ी आसानी से इस तरीके से बिल डिज़ाइन क्रिएट हो रहा है दोस्तों। और उसके बाद आपको यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा सा यहाँ पर पकड़ते हुए यहाँ पर देखिए इसको आप ड्रैग कर लीजिए। जितना आप ड्रैग करने चाहते हो तो आप कर सकते हो, मैं फ़िलहाल के लिए इतना ही करूँगा। और यहाँ पर इसको इस वाले टेबल को सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर लेआउट के अंदर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट रोज, और इस तरीके से डिलीट करूँगा। इसको फिर से नीचे की तरफ रख दूँगा। यहाँ पर देखिए बड़ी आसानी से आ चुका है और उसके बाद फिर से मैं इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ करूँगा। यहाँ पर देखिए इस टेबल का आप जितना फॉन्ट देना चाहते हो तो दे सकते हो। अगर आपको यहाँ पर इसको थोड़ा सा कम करना चाहिए तो आप इस तरीके से कम भी कर सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो। और उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए और यहाँ पर आपको इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिए। इस वाले 3 कॉलम का आप सेलेक्ट कर लीजिए। थोड़ा सा मैं यहाँ पर इसको ऊपर की तरफ रख देता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पर मैं सिग्नेचर भी यूज़ करना चाह रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर सिग्नेचर बनाने के लिए। मैं यहाँ पर देखिए बड़ी आसानी से आप इसको यहाँ पर इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिए 3 कॉलम का, और उसके बाद यहाँ पर आप लेआउट के अंदर क्लिक कर लीजिए और यहाँ पर देखिए मर्ज सेल्स पर क्लिक कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए ब्लैंक हो चुका है और यहाँ पर आपको जो भी टोटल वगैरह है आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद आपको यहाँ पर GST वगैरह आपको जो भी है आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। आपको जितना GST देना है आप दे सकते हैं यहाँ पर यूज़ करते हुए। और उसके बाद आप यहाँ पर ग्रैंड टोटल जी टोटल इस तरीके से मैंने यहाँ पर डिज़ाइन कर चुका हूँ दोस्तों। यहाँ पर देखिए और उसके बाद आपको यहाँ पर जो भी वर्ड में टाइप करना है आप यूज़ कर सकते हैं इन वर्ड। यहाँ पर देखिए आप इसको यहाँ पर खाली ही छोड़ दीजिए, यहाँ पर ब्लैंक छोड़ दीजिए, आप यहाँ पर बड़ी आसानी से टाइप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर देखिए
मैं यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर बिल का यहाँ पर सिग्नेचर बनाना चाहता हूँ दोस्तों। यहाँ पर इंसर्ट होम के अंदर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर क्लिक करता हूँ। इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ रख देता हूँ और आपको यहाँ पर जो भी टाइप वगैरह करना है आप कर सकते हो। मैं फिलहाल के लिए यहाँ पर 1412 के आसपास फॉन्ट रख रहा हूँ दोस्तों। एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ पर देखिए, और उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से एडजस्ट कर लीजिए। अगर आपको यहाँ पर वाटरमार्क वगैरह आप यूज़ करने चाहते हो तो आप बड़ी आसानी से वाटरमार्क यूज़ कर सकते हो। उसके लिए आप सिंपली इंसर्ट के अंदर क्लिक कर लीजिए, शेप्स के अंदर क्लिक कर लीजिए, यहाँ पर देखिए टेक्स्ट बॉक्स के अंदर क्लिक कर रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से शेप्स ड्रॉ कर रहा हूँ। राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट शेप्स पर क्लिक कीजिए, फिल पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर पिक्चर्स एंड टेक्सचर को अंडर क्लिक कीजिए यहाँ पर देखिए, और उसके बाद फाइल के अंदर क्लिक कीजिए। आपको जो भी लोगो है, आपको जहाँ पर लोगो है आप वही लोगो सेलेक्ट कर लीजिए। मैं यही वाला लोगो सेलेक्ट कर रहा हूँ इंसर्ट, और उसके बाद इसको आउटलाइन, नो आउटलाइन, और उसके बाद यहाँ पर देखिए ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन है, आप जितना चाहिए उतना इसको कम कर सकते हो। मैं इसको मे बी 90 के आसपास कर लेता हूँ, 91 के आसपास, और उसके बाद इसको सेंड बैकवर्ड कर लीजिए अथवा यहाँ पर देखिए सेंड टू बैक कर लीजिए। और इसके बाद इसको आप जहाँ पर यूज़ करने जाते हो अलाइनमेंट सेंटर और उसके बाद मिडल अलाइनमेंट, इस तरीके से यहाँ पर देखिए बड़ी आसानी से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर कैश बिल डिज़ाइन तैयार हो चुका है दोस्तों। आप भी इसी तरीके से बड़ी आसानी से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर कैश बिल डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो दोस्तों। इसको आप प्रिंट कर सकते हो, सेव कर सकते हो, आपको इसको जिए जो करना चाहिए आप कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों का आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो पर किसी नए टॉपिक के ऊपर, तब तक के लिए नमस्कार।